You are watching NewsDnn. For latest national and international news updates, log on to NewsDnnTV.com. Or download our application NewsDnn from Google Play Store. So, ma'am, how did you like the movie? Very big. Yes. पिक्चर में सबसे अच्छा क्या लगा आपको? The theme of the movie that family support हो तो कोई भी woman वापस आ सकती है in her career and she has really rocked from that angle. कंगना का काम कैसा लगा आपको? Always she does whatever is expected of her. She is one of the best actresses. इस मूवी से आप क्या कुछ लेकर जा रही हैं? अच्छी थीम लेकर जा रहे हैं and I loved the movie. मूवी ने रुलाया भी, हंसाया भी, तो emotions भी थे and it had the meaning what it was made for. Yes, the very inspiring thing about the movie was that the family support किसी lady को जब मिलता है, तो वो she can fight off and come back whichever way she wants. That is the theme of the movie and it's come out very well. Five out of five for Ashwini. You've done a good job, ma'am. Thank you. And what would you want to say about Richa Chadda's performance? Oh, she is brilliant. Richa Chadda is that required spice in the movie. वो जो बोलते हैं ना खाना खाते टाइम pickle चाहिए. Richa Chadda was that. Thank you. Last one. It's very emotional. Very emotional and comedy and nice movie. Thank you so much. Movie में सबसे best part कौन सी लगी आपको? Comeback is the best part. What about the acting of Kangana? Kangana is always good and she's my favorite. Ashwini hai? Ashwini hai also. Thank you so much. Out of five? Five out of five. Thank you. Rolling, sir, आपको movie कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी. Movie में सबसे best part क्या लगा? Story में कितना दम लगा? यज्ञ भसीम सबसे अच्छा काम उसका लगा. बच्चे का काम लगा. बाकी तो कंगना तो है ही renowned artist है. So story अच्छी है and it's a very good thing that Vicky Donor के बाद content is the king. बाकी सब secondary हैं. तो content is very good. Ashwini Iyer का direction कितना पसंद है? Oh, it's brilliant. She's good. कभी-कभी तो ऐसा लगता है कि जैसे अगर हम इसकी भाषा बदल दें तो कोई Hollywood की picture देख रहे हैं. So आपको क्या लगता है ये movie सबको inspire करेगी? ये commercially नहीं इतना ज़्यादा नहीं चलेगी. लेकिन जो लोग शौकीन हैं उनको इंस्पायर करेगी। कंगना रनौत और रिचा चड्ढा का काम कैसा लगा? रिचा इज टेरिफिक। मतलब कंगना तो हम जानते ही हैं। रिचा, स्पेशली शी इज यूजिंग अ लिटिल बिट ऑफ ईस्टर्न यूपी डायलॉग, तो डायलेक्ट जो उसका है ना बड़ा नेचुरल लगता है। तो थोड़ा सा शायद भोजपुरी कहीं बोलती हैं, मैं एक्चुअली डिस्टिंग्विश नहीं कर पाया, बट शी इज गुड। बेस्ट इज अगेन यज्ञ भसीन। फोर Definitely. So, ready for Jana. या ऑफ कोर्स इंस्पायर करेगी और ऑफ कोर्स मैं ये बिलीव करता हूँ जिसने सीखना है वो हर जगह से सीख सकता है और ये मूवी तो बहुत कुछ सिखा रही है. वंस वॉच जैसे वो अपने आप से ही, जैसे हम लोग होता क्या, एक टाइम आता है जब हम अचीव कर लेते हैं और उसके बाद में हम अपने आप को रिलैक्स कर देते हैं, तो वैसे ही और उसके बाद में फिर हम जब देखते हैं कि उसकी एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलती, देन अगेन वी वॉन्ट टू गेट दैट बैक. तो उस तरीके से जैसे उन्होंने फाइट किया और उस चीज़ को वापस से अचीव किया, तो वो जो स्पिरिट थी वो बहुत अच्छी थी. इट वॉज रियली बहुत अच्छा था. इनफैक्ट आई शुड से कि लाइक कंगना ने अपने रोल के साथ हमेशा जस्टिस की है और इस बार भी उन्होंने वही किया. शी इज अचीव्ड इट रियली नाइस. या गाने भी अच्छे हैं. इट वाज गुड. डायरेक्शन भी अच्छी है, बहुत अच्छे से उन्होंने प्रेजेंट किया, बहुत अच्छे से उनको दिखाया उन्होंने. बहुत अच्छी मूवी. प्लस वन आउट ऑफ फाइव मैं फोर बोलूँगा. या गुड. इट वॉज गुड. ऑल वर गुड. या थैंक्स. बाय बाय. बहुत अच्छी लगी. फैंटास्टिक मूवी. इस मूवी से आप क्या कुछ लेकर जाओ? खुश होकर जा रहा हूँ, हंस कर जा रहा हूँ. इस मूवी में सबसे बेस्ट काम किसका लगा? कंगना का लगा. मतलब बेस्ट परफॉर्मेंस अच्छी. रिचा चड्ढा का काम कैसा लगा? अच्छी आ गई, वो तो कमाल की. स्टोरी कितनी बांध के रखती है ऑडियंस? बांध के रखती है.
मतलब मैंने उनको ही बताया था कि मैंने रिव्यू पढ़ा था कि उसके बारे में, तो एक अलग जॉनर की फिल्म है, हर कुछ है उसमें, तो मजा आया देख करके फिल्म। स्टोरी ऑडियंस को पसंद आएगी? आएगी 100% आएगी, देखना चाहिए फिल्म। स्क्रीन एरिया की डायरेक्शन कितनी पसंद आई आपको? हाँ डायरेक्शन भी अच्छा है। 4.5 थैंक यू। सर आपको पंगा मूवी कैसी लगी? जी बहुत अच्छी लगी, ये मूवी डिफरेंट है दूसरे स्पोर्ट्स मूवी से, या कोई हम लोग देखते हैं इंस्पिरेशनल, देखे चलो हमें कुछ बनना है, कि हमें मतलब पर्सनली के लिए ज़्यादा सोच के एक फैमिली के बारे में लगता है, स्पेशली वाइफ हो, बेटी हो या माँ हो, तो वो चीज़ों को बहुत ज़्यादा उठाने की कोशिश की है और एकदम परफेक्टली उठाया है। मतलब इस वजह से मूवी थोड़ा बोरिंग शुरू में लगेगा, फर्स्ट हाफ लगेगा कि यार छोटी छोटी चीज़ें दिखा रहे हैं जो हम लोग डेली देख रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें से निकल के आई है मूवी सेकेंड हाफ में इज अमेजिंग। तो नहीं, मेरी एक्सपेक्टेशन कुछ नहीं था, बिल्कुल अलग थी एक्सपेक्टेशन से, अच्छा हुआ है एक्चुअली। अच्छा बहुत ही अच्छा, रिचा चड्ढा उससे भी बेटर लगी मुझे, बिकॉज वो बड़ा लग रहा था कि कोई अपना दोस्त यार है उस तरह का है, और ऐसे हर लोगों के साथ होता है, तो रिचा चड्ढा वाज मोर नेचुरल देन एनीबडी एल्स। उससे भी अच्छा उनको ये लिखना चाहिए था, अपने लिमिट से पंगा लो, ये टैगलाइन होना चाहिए था। नहीं नहीं बहुत दम है, स्पेशली फैमिली को देखनी चाहिए, और ये फैमिली से फैमिली में एक्चुअली रिस्ट्रिक्शन बहुत सारे नहीं होते, 90 मुझे लगता है 80% लोगों को इतना प्रॉब्लम नहीं होती, वो अपने आप को लिमिट में देखते हैं, अरे मेरी हद इतनी है, हमें आगे नहीं बढ़ सकते, ये प्रॉब्लम है, हमारे पास पैसे नहीं है, तो हमें ये है, आदमी को ये सीखना चाहिए हमें इन्वायरमेंट को ना देखो, अपने अंदर का जो है उसको आगे बढ़ा, तो ये लिमिट उस सोच के ऊपर है, और इस सोच को अगर समझ गए तो रियली में कोई भी सक्सेसफुल हो सकता है। नहीं परफेक्ट, ये बहुत अच्छा है, उन्होंने लिया है सिंगल, अपने पंगा ले रही है, लेकिन परफेक्ट जा रही है, मतलब वो जो रास्ता दिखा रही है इट्स गुड, आई मीन सबको अच्छा फील होगा देखने के बाद या जैसे भी। या 4.5 या थैंक यू। एक ही चीज़ मैम, आपको कैसी लगी पंगा? हाँ बहुत अच्छी लगी यार। स्टोरी में कितनी दम लगी? आई थिंक स्टोरी है सबके लाइफ में, सब कनेक्ट कर पाएंगे स्टोरी को, फिल्मी नहीं है कोई भी विलन ओवर द टॉप, ऐसा कुछ एक्शन ड्रामा ऐसा नहीं है, मेलो ड्रामा भी नहीं है, तो इट्स स्टोरी ही सब कुछ है। आई थिंक स्टोरी पे ही उन्होंने डायरेक्शन अच्छा है, स्क्रीन प्ले अच्छा है, जो मूवी रेगुलर मूवी है। अगर कंगना के काम के बारे में बात करूँ, वो कितना पसंद आया? आई थिंक मुझे लगता समहाउ मैं किसी और को सोच ही नहीं पा रही हूँ इस रोल में, आई थिंक शी डिड अ गुड जॉब। रिचा चड्ढा के काम के बारे में क्या बताना चाहिए? एज यूजल सारे ही एक्टर्स बहुत अच्छे हैं, मुझे जस्सी गिल जो हैं वो भी आई थिंक उन्होंने बहुत अच्छा, उनकी केमिस्ट्री विद कंगना बहुत अच्छा है, सपोर्टिंग जिस तरह के हस्बैंड दिखाते हैं अच्छा है, अच्छा अगेन रिफ्रेशिंग, मुझे वो सेम बॉलीवुड एक्टर्स नहीं देखना है, तो मुझे अच्छा लगा, इसलिए आई थिंक वो ज़्यादा मूवी कन्विंसिंग आपको लगती है। इट्स कंगना थ्रू आउट, वैसे तो कंगना ने जिस तरह पोर्ट्री किया तो सारा कुछ कंगना के ही बारे में। इस मूवी का टैगलाइन है, जो सपने देखते हैं वो पंगा लेते हैं, सो इस मूवी से आपको क्या लगा देखने? जो सपना देखते हैं वो ही उनका ही काम है पंगा लेना, अदरवाइज आप दूसरों को नहीं मतलब आप सोच सकते, हमेशा ही आपके आसपास इज नॉट द नेगेटिविटी नहीं है कि आप नहीं बढ़ पा रहे हो, इनसाइड यू आर। नहीं अश्विनी मुझे वैसे ही उनका डायरेक्शन पसंद है, आई थिंक शी इज़ अ वेरी प्रोग्रेसिव डायरेक्टर, मैंने ये भी पढ़ा था कि शी मेड ये जो मूवी बनाई है उन्होंने अपने ही लाइफ से इंस्पायर होकर बनाई है, एंड शी हैज़ अ हस्बैंड, शी हैज़ अ चाइल्ड, सो आई थिंक मुझे लगता मुझे पसंद है वुमेन डायरेक्टर्स जो प्रोग्रेसिव आगे का सोच के और अभी के बारे में बात करते हैं, तो आई थिंक वो जोया अख्तर दे आर बेस्ट डायरेक्टर्स, मैं चाहती हूँ और बनाए मूवी ऐसी। ये लोगों को कितना इंस्पायर करेगी? वुमेन को इंस्पायर डेफिनेटली करनी चाहिए, या एटलीस्ट कम से कम आप सोच तो सकते हो कि यू शुड गो एंड सी द मूवी, तो वुमेन ने डेफिनेटली देखनी चाहिए, मैन तो देखना चाहिए। ये जो इसमें दिखाया है कि वो एक साल के लिए बाहर जाना चाहती है, लेकिन मोस्टली ऐसे होता है कि हस्बैंड अगर टूर पे जाते हैं तो वुमेन को कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन वुमेन अगर एक साल के लिए जाती है तो सभी को प्रॉब्लम हो जाती है, तो इसके बारे में हाउ कूल ही इज एंड इट्स ओके, ये बहुत अच्छा है, तो आई थिंक ये बात अगर मैं इनको देख के कुछ सीखना चाहिए। 3.5 थैंक यू।
one last one.